अल्लाह रहम करे किसी को चोट ना आई हो। धूप उठ रही है आज नैनीताल में, मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है। तो ये क्या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार भाई। वैसे भी नैनीताल की बारिश में नहाने का एक अपना ही मज़ा है, ठंडा ठंडा पानी होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, सितंबर के महीने में हमने सोचा क्यों ना एक और ब्लॉग बनाया जाए नैनीताल का, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ नैनीताल। अबे पूरा पोल तोड़ दिया। सो गाइस, आप देख सकते हैं तिकोनिया चौराहे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा पोल गिरा दिया है और ये जो बस है पूरी डिवाइडर पर चढ़ी हुई है। अल्लाह रहम करे किसी को चोट ना आई हो। पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बहुत बुरी तरीके से डिवाइडर पे ही बस चढ़ी हुई है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। आई होप के बच्चे सब ठीक हो, किसी को चोट ना आई हो। और हल्द्वानी में मौसम ऐसे गर्म हो रहा है और अब नैनीताल में जाकर मैं देखूँगा कि वहाँ मौसम कैसा हो रहा होगा। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है वहाँ ठंडी हो रही होगी, क्योंकि जब अगस्त के महीने में हम वहाँ गए थे तो मौसम जो था ठंडा हो रहा था, काफ़ी फॉग था। आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो अभी लास्ट मंथ जो मैंने नैनीताल की वीडियो डाली थी आपने उसमें देखा ही होगा। Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you, waiting. All I want, the love from you, been so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? नैनीताल पहुंच चुके हैं और ये है नैनीताल का मेन चौराहा और इस साइड में है ताल। हम ये चल रहे हैं पार्किंग। सो फाइनली गाइस, हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं खिलखिलाती धूप उठ रही है आज नैनीताल में, मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है। ये घर देखिए यार, छोटे छोटे घर एक दूसरे के ऊपर हैं और ताल में नीचे बोर्डिंग हो रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। और नाजिम अली यहाँ पर मौसम का मज़ा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है नाजिम? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ठंड थी और अब धूप आ गई है। अभी मैं पीछे की साइड था तो वहाँ काफ़ी ठंड थी, इसीलिए मैं इधर आया। इधर थोड़ा धूप में खड़ो गया, अच्छा लग रहा है। ये सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों, लेकिन नैनीताल आके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दिसंबर और जनवरी का महीना है और कुछ ही देर में यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। सो गाइज, मैं अभी फॉग का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा छोटा सा एक टाइम लैप्स मोड बना सकूँ। सो
गाइस आप देख सकते हैं नैनीताल में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, नहीं हल्की हल्की नहीं, अच्छी खासी बूंदाबांदी हो रही है, आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नैनीताल में बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई है और हम भी भीग चुके हैं और मौसम हो गया है एकदम सा ठंडा। ठंड लग रही है क्या? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार भाई, बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका हूँ मैं और मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं नाजिम अली बारिश से बचने के लिए रोडवेज में चला गया है, ये हमने बाइक यहाँ पार्क कर दी है। तो गाइस ये नैनीताल का रोडवेज है, बारिश के कारण बकरियों को भी ठंड लग रही है और वो नहाना नहीं चाह रही नैनीताल की बारिश में। तो गाइस आप देख सकते हैं नैनीताल में किस तरह की बारिश पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज पड़ रही है और मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, मेरे जूतों में देख सकते हैं आप पानी पानी भर गया जूतों में। वैसे भी नैनीताल की बारिश में नहाने का एक अपना ही मज़ा है, ठंडा ठंडा पानी होता है, मछलियाँ भी मज़ा ले रही हैं देखो आप। अगर आप बारिश में नहाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यही बहुत सही समय है आपको बारिश में नहाने के लिए, नैनीताल आना चाहिए। नैनीताल में बारिश रुक चुकी है और आप देख सकते हैं धूप निकलना शुरू हुई थी लेकिन बादलों ने सूरज को ढक दिया है और ये देखिए पहाड़ कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर हो चुका है नैनीताल का। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द।